हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस से एक यात्री के बैग से 22 किलो चांदी के जेवर मिलने की घटना से शनिवार की रात मुख्य रेलवे स्टेशन पर सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार रात के समय जब स्टेशन पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस आकर खड़ी हुई थी तो भारी बैग लेकर जा रहे एक यात्री की हरकतें देखकर आरपीएफ दल को शक हुआ। जब टीम ने यात्री से पूछताछ की, उसने बताया कि वह बिहार आरा का रहने वाला है जो हावड़ा से आया हुआ है। जब टीम ने बैग चेक किया तो उसमें चांदी के जेवर भरे हुए थे। टीम ने जेवर के बारे में पूछा तो यात्री ने कहा कि वह जबलपुर में किसी व्यक्ति को माल देने लिए आया है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया। ई बिल में चांदी के जेवर की जो कीमत दर्शाई गई थी वो वर्तमान कीमत से कम है, जिसकी जांच के लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अधिकारी को सूचना दे दी गई है। जबलपुर लेकर आ रहा था, अरुण कुमार सिंह नाम का एक लड़का आदमी है, वो हावड़ा मेल से जैसे उतरा थोड़ा संदिग्ध लगा, उसको चेक किया तो जब उसको चेक करने लगे तो थोड़ा न्यूसेंस करने लगा, तो उसको फिर दो लोगों के सामने उसके बैग को खोल कर देखा तो उसमें चांदी थी 22.5 किलो। ये लगभग कितने की होगी? ये जो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट उसे नहीं है, लेकिन लगभग 9 लाख की है। तो ऐसे कोई पत्र मिले कि ये सही है चांदी या कोई? नहीं, वो अभी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके पास मिला नहीं, तो इनकम टैक्स के अधिकारी आए हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं। हमने नहीं, वो चांदी के ज्वेलरी टाइप का है, ऑर्नामेंट्स है।